यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 28। यिर्मयाह अध्याय 28। फिर उसी वर्ष के अर्थात यहूदा के राजा सिदकिया के राज्य के चौथे वर्ष के पांचवें महीने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह जो गिबोन का एक भविष्यवक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बाबुल ले गया, उन्हें मैं दो वर्ष के भीतर फिर इस स्थान में ले आऊंगा। और यहूदा के राजा यहोयाकिम का पुत्र यकुन्याह और सब यहूदी बंधुए जो बाबुल को गए हैं, उनको भी मैं इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, आमीन, यहोवा ऐसा ही करे जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही है कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंधुए बाबुल से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा यह वचन सुनो जो मैं तुम्हें और सब लोगों को कह सुनाता हूँ, जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, जो जब उस बात का पूरा हो तब ही उस भविष्यवाणी के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्भदन पर था उतार कर तोड़ दिया, और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यो कहता है कि इसी प्रकार से मैं पूरे दो वर्ष के भीतर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता चला गया। जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाकर हनन्याह से यह कहा कि यहोवा यो कहता है कि तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसकी संति लोहे का जुआ बना दिया है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ कि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहे और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, और मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ। और यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा कि हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है, इसलिए यहोवा तुझसे यो कहता है कि देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के सातवें महीने में मर गया।